हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रैबिट फन चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम गुप्लू का मॉर्निंग रूटीन दिखाने जा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ मैं सुबह सुबह अभी करीब 5 बज चुके हैं तो आई हूँ। तो देखिए, यहाँ दरवाज़ा के पीछे गुप्लू ये खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। अभी अभी मैं डोर को खोली हूँ और वो बाहर आने के लिए बेचैन है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं इसे बाहर नहीं रखूँगी, बस ये रूम में ही रखूँगी कि तुम रूम में अभी घूमो फिरो, क्योंकि जब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ, बच्चे का ब्रेकफास्ट बनाना है सो मैं बना लूँगी, उसके बाद ही गुप्लू को बाहर आने की इजाज़त होगी। और देखिए, ये बेड के नीचे किस तरह से घूम रहा है। तो ये बेड के नीचे चला गया है और यहीं पर ये घूमता रहेगा तब तक कि मैं बाकी का काम कर लूँ, उसके बाद फिर मैं मिलूँगी आप सभी से। तो अभी एंजॉय कीजिए, गुप्लू को देखिए, ये अंदर बेड के नीचे घूम रहा है और देखिए किस तरह से दौड़ता रहता है। तो इसका ये फेवरेट जगह है, तो अपना ये फेवरेट जगह पे हमेशा आके रहता है, कभी भी आप खोल दो इसे तो ये अपना फेवरेट जगह पर रहता है। और देखिए, कहीं भी खोल दो तो वो अपने आप वहाँ चला जाएगा। और चलिए, इसका मॉर्निंग रूटीन में सबसे पहले ये होता है कि इसका केज को साफ़ सफाई करना होता है। तो मैंने यहाँ पे केज को अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लिया है और उसके धूप हो रखी है यहाँ पे, तो मैंने इसे धूप में डाल दिया था ताकि उसमें से जो भी स्मेल है वो निकल जाए। और साथ में मैं गुप्लू को केज में रखी थी, पर केज में उस समय रखती हूँ जब मैं इसे साफ़ करते रहती हूँ, क्योंकि सारे दरवाजे वगैरह मैं खोल के रखती हूँ उस समय, तो मुझे डर बना रहता है कि कहीं गुप्लू इधर उधर ना चल जाए। तो इसके कारण सो फ्रेंड्स, बैड कमेंट कोई मत करना। सो मैं इसे पिंजरे में कैद करके नहीं रखती हूँ, इसे खोल के ही रखती हूँ, पर जब ऐसा कुछ होता है तो मुझे रखना होता है, क्योंकि बनने की सेफ्टी के लिए मैं रखती हूँ उसे केज में। और ये देखिए, अब ये अब घूमेगा फिरेगा पूरे दिन इसी तरह, और यहाँ पे सोफा पे आराम फरमा रहे हैं। तो इसी तरह से वो बहुत अच्छे से प्यार करवाता है, यानी आपसे फ्रेंड हो गया तो वो अच्छे से प्यार करवाएगा। और फ्रेंड्स, इसे बरसात में कुछ ज़्यादा ही देखरेख करना होता है, क्योंकि बरसात के दिनों में खासकर रैबिट को बारिश वाले पानी आप इसे अपने ऊपर नहीं लेने दीजिएगा, क्योंकि ये तो उछलते कूदते रहता है। आप इसे खोल के रख दोगे बाहर तो वो इधर उधर घूमेगा और बरसात के पानी से भीग जाएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। इसके कारण आप इसे थोड़ा ध्यान से रखना होता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग में से किस किस के पास रैबिट है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि रैबिट बहुत ही अच्छे होते हैं, यानी बहुत ही क्यूट सा होते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है, इसीलिए मैं रैबिट रखती हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए ये कितने अच्छे हैं। सो इसका क्यूटनेस बहुत अच्छा लगता है मुझे, और पूरे दिन भागदौड़ मचा के रखते हैं। लगता है आप जब अकेले भी हो तो रैबिट है तो लगता है कि नहीं, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ तो रैबिट है, वो थोड़ा इधर उधर करते ही रहता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग के बरसात के दिनों में इसको खासकर ख्याल रखना होता है, जैसे खान पान पे भी आप ध्यान देना, क्योंकि हमेशा आप सुबह शाम हमेशा इसका जो भी प्लेट रखते हो उसे धुल दिया करो, क्योंकि इनसे इन्फेक्शन हो जाता है, रैबिट बीमार पड़ जाएंगे आपके। तो इसीलिए साफ़ सफाई पर खासकर ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो ये देखिए, मैं रैबिट के लिए घास लाई हूँ, सो ये घास खा रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग इसे ताज़े ताज़े घास खिलाना, क्योंकि बारिश के दिनों वाले घास आप एक दिन ला के रख दो तो अगले दिन थोड़ा स्मेल आने लगता है, तो रैबिट नहीं खा पाएंगे और उनको थोड़ा इन्फेक्शन लगने का डर बना रहता है। सो कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स है जिसे फॉलो करना ज़रूरी होता है। जैसे आप बन्नी का कभी घर बना रहे हैं तो ऐसे जगह पे मत बनाइए जिससे कि आपका बन्नी भीग जाए। तो ऐसे जगह पे बन्नी का घर बनाइए कि बारिश में उनके घर में पानी ना आ पाए। तो ये छोटे छोटे बातों को ख्याल रखना ज़रूरी होता है। बन्नी को हमेशा खुश रखने के लिए कुछ ऐसा टिप्स होता है जिसे आपको फॉलो करना पड़ता है। सो बन्नी के साथ आप कुछ देर टाइम बिताइए ताकि आपसे बन्नी घुल मिल जाए और आपके साथ बैठे खेल पाए।
तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो बन्नी के लिए और आपके लिए दोनों को अच्छे से जोड़ के रखते हैं। सो इसे प्यार कीजिए और इसे पुचकारिए, सहलाइए, तो आपसे ये बहुत जल्दी फ्रेंड हो जाएंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप बन्नी को जितना पास रखोगे वो आपसे उतना ही दोस्त हो जाएगा और आपसे प्यार करने लगेगा। सो मेरा बन्नी तो कुछ इसी तरह से है और मैं आपको इसी तरह के छोटे छोटे टिप्स वाले वीडियो लेके आया करूँगी। अगर मेरा चैनल आपको पसंद है, देखना अच्छा लगता है बन्नी का वीडियोज, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।